झारखंड की उपराजधानी दुमका का बाजार होली के रंगों और पिचकारियों से सजा नजर आ रहा है। सोमवार को होली मनाया जाएगा, ऐसे में पिचकारी और रंगों की कई दुकानें सज चुकी है। लोग तरह तरह के कलर्स, अबीर, पिचकारी, मुखौटे खरीद रहे हैं। उनका कहना है कि उल्लास उमंग के इस त्यौहार का पूरे वर्ष इंतजार रहता है। हम लोग इसे खरीद रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऑनलाइन भी पिचकारी और अन्य सामान उपलब्ध थे, लेकिन हमने स्थानीय दुकानदारों को प्राथमिकता दी है। इधर होली के अवसर पर पिचकारी, अबीर, कलर्स, मुखौटे के दुकानों को सजाने वाले दुकानदार का कहना है कि काफ़ी उम्मीद से हमने दुकान खोली है, लेकिन बिक्री की जो रफ्तार है वह काफ़ी कम नज़र आ रही है। कोरोना का खौफ अभी भी हावी है। देखिए, उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये रंग पिचकारी वगैरह बच्चों के लिए खरीद रहे हैं। इस बार थोड़ी फीकी है, लेकिन मनाना तो है ही। मान लीजिए साल भर में एक बार पर्व आता है, तो कोरोना की वजह थोड़ा सा फीका है, लेकिन मनाना बच्चे लोग के साथ मनाना तो होगा। क्या क्या लिया आपने? बच्चों के लिए बेलून वाला ये लिए, ये बहुत पसंद करते हैं बच्चे लोग, और यही था ऑनलाइन में देखा तो यही मांग किया था, तो इसका तो लोकल से हम लिए, ऑनलाइन से नहीं लिए। लोकल दुकानदार से ही लेना चाहिए सब पूजा पर्व का सामान। कितना उत्साह है होली का? बहुत उत्साह है होली का। ये तो लगाए हैं दुकान अच्छे से। हर साल लगाते हैं? हर साल लगाते हैं। क्या क्या बेच रहे हैं? पिचकारी है, अबीर है, रंग है, टोपी है बच्चे लोग के लिए, और मुकुट वगैरह है, मास्क वगैरह। तो कैसा मार्केट का क्या उम्मीद है इस बार? अभी तो कुछ नहीं बुझा रहा है अभी थोड़ा सा, लेकिन तो क्या उम्मीद है कि पकड़ लेगा ना? हाँ, उम्मीद तो लग रहा है पकड़ेगा बाजार। कैसा है बाजार? बाजार नहीं है भाई जी। क्यों? बाजार एकदम मंदा है। होली का तो हमको लग रहा था परमिशन भी नहीं मिलेगा, ये कल से परमिशन मिला है। होली का कल से मार्केट नहीं है। उम्मीद आप देखिए मार्केट के ऊपर कहाँ जा सकता है, अभी तो कुछ नहीं। मतलब माल सब बिक जाएगा ना? भगवान भरोसे, अब कष्टमर के ऊपर है। कष्ट बहुत, दुकान सब खुल गया है। इधर होली को लेकर प्रशासन चुस्त दुरुस्त है। कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को भांपते हुए दुमका उपायुक्त राजेश्वरी भी लोगों से अपील करती है कि आप कोशिश करें कि होली परिवार के साथ घर पर ही मनाएं। कोरोना के केसेस अभी भी समाज में हैं, और क्यों, और ये वायरस काफ़ी कंटेजियस है, तो मुझे लग रहा है कि घरों में ही अपने परिवार के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ मनाना बेहतर होगा। होली रंगों के साथ साथ उमंग और भाईचारे का त्यौहार है। हमारी भी लोगों से अपील है कि आप सद्भावपूर्ण ढंग से सुरक्षित होली मनाएं। मनोज केसरी, ईटीवी भारत, दुमका।